फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम देखिए। यहां अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा परस्पर लंबवत है। अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा इस तरह से आपको लंबवत रखना है। फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम यह कहता है कि यदि हम अपने बाएं हाथ के अंगूठे, ये बाएं हाथ का अंगूठा, बाएं हाथ के अंगूठे, तर्जनी और मध्यमा को इस प्रकार फैला लें कि ये परस्पर लंबवत हो जाए, तब अगर तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाए, ये बी का डायरेक्शन है, चुंबकीय क्षेत्र का डायरेक्शन है, और मध्यमा धारा की दिशा को बताए। तर्जनी क्या बताएगी? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, और मध्यमा बताएगी धारा की दिशा। तो अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा। अर्थात हम ये समझ रहे हैं कि अगर किसी स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र है और उसके लंबवत धारा है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तर्जनी बता रही है और धारा की दिशा को मध्यमा बता रही है, तो उस वक्त चालक पर बल अवश्य लगेगा और वो जो बल होगा वो बल अंगूठा प्रदर्शित करेगा उनके लंबवत। अर्थात मान लीजिए कि किसी स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र इस तरफ है तर्जनी की दिशा में और धारा इस तरफ है मध्यमा की दिशा में, तो चालक पर लगने वाला बल इस तरफ होगा अंगूठे की दिशा में, और ये तीनों परस्पर लंबवत रहेंगे।